सनातन धर्म इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हिंदुओं का विघटन होने के पीछे उन हिंदू विरोधी ताकतों का बड़ा हाथ है, जो हिंदू संत साध्वी होकर भी दूसरे धर्म और मजहब का गुणगान करने में लगे रहते हैं। इस वर्ग में कुछ कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने सनातन का बहुत नुकसान किया है। कथावाचकों की ये गैंग सम्मान, स्नेह और पैसा तो हिंदुओं से पाती है, लेकिन इनकी हरकतें दूसरे मजहब को लाभ पहुंचाने वाली ही होती हैं। व्यासपीठ पर बैठकर ये लोग बेशर्मी के साथ अली मौला का गाना गाते हैं और अपने श्रोताओं की भावनाओं के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन व्यासपीठ जैसी सम्माननीय पदवी पर बैठकर ऐसी हरकतें करना शोभा नहीं देता। इन कथावाचकों को असल में ना सनातन धर्म से कुछ मतलब है और ना ही जन भावनाओं से। इन्हें विदेशों में कथा करने के लिए जो ज्यादा पैसा देता है, बस उसी यजमान की खुशामद करना आता है। इनमें से कुछ कथावाचक इतने धूर्त हैं कि ये जिस आस्था के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, उसी आस्था की बोली लगाने से भी नहीं चूकते। कहने को ये महाशय कथा का पैसा नहीं लेते, लेकिन इनकी कथा का खर्चा फिर भी करोड़ों में चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये तथाकथित संत भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी को नशेड़ी बता रहे थे। कह रहे थे कि वो 2400 घंटे शराब पिया करता था। इनकी राम कथा के मंच से या हुसैन, मौला अली हर कथा में सुनने को मिलता ही रहता है। इनके हिसाब से हमारे मंदिरों को विधर्मियों के लिए भी खोल देना चाहिए, लेकिन किसी मस्जिद से आज तक ये सियाराम की धुन नहीं बजवा सके। इन संत ने भगवान के हाथ से शस्त्र ही गायब करवा दिए, क्योंकि इनका असली मकसद ही हिंदुओं को कायर बनाना है। इनकी कथा में कभी भगवान राम की वीरता और साहस की चर्चा नहीं होती, लेकिन अली मौला गाना ये कभी नहीं भूलते। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर ही अंदर इनके संबंध विधर्मियों से सारी हदें पार कर चुके हैं। ये एक और कथावाचिका हैं, जो इसी गिरोह की सदस्य हैं। इन्हें भी अली मौला से जबरदस्त प्यार है, लेकिन लिबास से ये हिंदू ही बनी रहती हैं, क्योंकि तभी तो जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। इनकी कथा भागवत कथा कम और किसी मेले की आर्केस्ट्रा पार्टी ज्यादा लगती है। कभी ये मौला मौला जपती नजर आती हैं, तो कभी शराब के फायदे बताती हैं। जब चारों तरफ इनका विरोध शुरू हुआ, तो इन मोहतरमा ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी और खुद को गौभक्त बताया। लेकिन असल में इनका उद्देश्य भी हिंदुओं को नष्ट करना ही है। हिंदुओं के चोले में छिपे इन कालनेमियों ने सनातन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि जनता को इनसे प्रश्न पूछने चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। कोई कथावाचक हिम्मत कैसे कर सकता है व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बकवास बातें करने की? इन व्यापारियों की कथा में जाना बंद कीजिए। खुद ही गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, महाभारत पढ़िए। इन लोगों को आपके और भगवान के बीच मत आने दीजिए। भगवान से मिलने के लिए हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये कोई संत नहीं है, ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हमारे धर्म में संतों को भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया गया है, और माना जाता है कि यही लोग हमें अपने धर्म से जोड़ते हैं, अपने ज्ञान और अपने उपदेशों के द्वारा। हम भी अब तक इस बात को मानते थे, लेकिन जब हमारे परम पूजनीय यही संत महात्मा हमें किसी और धर्म को मानने के फायदे बताने लगे, तब ये जरूरी हो जाता है कि इनका संपूर्ण बहिष्कार कीजिए और सनातन धर्म को बचाने में अपना योगदान दीजिए।